नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर एक मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने के बाद सिलेक्टिव पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। विपक्ष को दंगाइयों से बड़ी हमदर्दी नजर आ रही है, लेकिन दंगा पीड़ितों का दर्द उन्हें नजर नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। जहांगीरपुरी में दंगाइयों की छाती पर बुलडोजर चला तो छाती पीटते हुए वैसी रात में ही दौड़े चले आए, वैसी लौटे तो कांग्रेसी नेताओं का हुजूम हाई तौबा मचाते हुए जहांगीर पहुंच गया। जहांगीरपुरी में ओवैसी और कांग्रेसी दस्तक से दहशत में आई दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप ने अपने विधायकों को जहांगीरपुरी दौड़ा दिया। चंद्रशेखर की भीम आर्मी के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचकर चीत्कार करने लगे। बुलडोजर से पहले से ही चिढ़ी समाजवादी पार्टी के नेता भी आज जहांगीरपुरी पहुंचेंगे और बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों से मिलेंगे, लेकिन पथराव का शिकार हुए पीड़ितों का हाल चाल नहीं जानेंगे। कोलकाता में बैठी दीदी ने भी अपने नेताओं को जहांगीरपुरी जाने का निर्देश दे दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने NRC का राग छेड़कर विपक्ष की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर NRC कानून लानी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को ऐसा सीक्रेट हाथ लगा है जिससे दिल्ली दंगे की पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे का कनेक्शन हार्डकोर गैंगस्टर और नामी बदमाशों से जुड़ रहा है। पुलिस को शक है कि जहांगीरपुरी में जिन्होंने दंगा भड़काया, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर जिन्होंने गोलाबारी की, वो हार्डकोर गैंगस्टर और कुख्यात बदमाश हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे करीब 20 गैंगस्टर और बदमाशों की लिस्ट तैयार की है जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई तो तिहाड़ जेल की सजा भी काट चुके हैं। दिल्ली दंगे में जुड़े इन गैंगस्टरों और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की दर्जनों टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस ऐसे गैंगस्टरों और बदमाशों से पूछताछ कर रही है जो हाल ही में तिहाड़ से जमानत या पैरोल पर बाहर आए हैं। इसके अलावा पुलिस की नजर ऐसे रैकेट पर भी है जो दिल्ली NCR के पास ड्रग्स का धंधा करते हैं और राजधानी में मौत का नशा बेचते हैं। CCTV फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है, उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। पुलिस को शक है कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड अंसार ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा भी जहांगीरपुरी मामले में अब कूद पड़े और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए जहर उगलने से भी बाज नहीं आए। रिपोर्ट देखिए। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल ने खुला समर्थन दिया है। दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने से चिढ़े काउंसिल के मुखिया मौलाना ताकीर रजा ने पूरे देश को ही धमकी दे दी है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। मौलाना तौकीर रजा ने तो ये तक कह दिया है कि हिंदुस्तान में एक और महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। जुबानी जहर फैलाने के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा के दिमाग में और भी कई प्लान चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। SP सांसद शफीकुर रहमान बर्ग भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने से तिलमिला उठे हैं और इसी तिलमिलाहट में उनकी जुबान अब जहर उगल रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सियासी ड्रामा करने से पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान ने जहर उगला है। संभल से लाल टोपीधारी उम्रदराज सपा सांसद बक्र ने हजारों लोगों का खून बहाने की धमकी दी है। मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से
कि यहाँ पुरमन रखने के लिए जो तो जाम मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। सभा सांसद ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बुलडोजर को मुसलमानों पर अत्याचार का प्रतीक बता डाला और योगी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोजर चलाकर उसके मर्दे तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडम करता हूं और ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। संसद में शपथ के दिन से ही सफीकुर रहमान चर्चा में आए और अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में गुरुवार को भी बाबा का बुलडोजर जमकर चला। शाहजहांपुर में एसपी प्रत्याशी के आशियाने से लेकर हरदोई में कोयला भट्टियों तक को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया, वो भी फुल स्पीड के साथ। रिपोर्ट देखिए। यूपी में शहर शहर बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है और भूमाफिया बुलडोजर से बचने के लिए हाँफ रहे हैं। गुरुवार को भी कई शहरों में बाबा का बुलडोजर जमकर दौड़ा। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की बिल्डिंग पर जमकर बुलडोजर चला। इस बिल्डिंग का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। हरदोई के डडियामा थाना इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही थी 32 कोयला भट्टियों पर भी बुलडोजर चला। चामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र और सदर कोतवाली के कई मोहल्लों में भी बुलडोजर अपनी रफ्तार भरता नजर आया। सिटी की रेल पार, दयानंद नगर, कुडाड़ा रोड, सरवर पीर कॉलोनी में सैकड़ों बीघा जमीन पर बुलडोजर ने प्रचंड प्रहार किया। बाराबंकी में बीजेपी नेता के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला। कुरियानी गांव में बीजेपी नेता सहित कई लोगों के अवैध कब्जे को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया गया। बरेली में साइबर ठग जमशेद खान के घर पर भी बाबा का बुलडोजर चला। जमशेद उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन किया। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने एक तरफ गुरु तेग बहादुर की वीरता याद दिलाई तो साथ ही कट्टर मुगल शासक औरंगजेब पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, औरंगजेब की मजहबी कट्टरता की आंधी के सामने गुरु तेग बहादुर चट्टान की तरह डटे रहे। हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान निष्ठा के साथ गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। लाल किले से ही औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है जबकि 8 जवान घायल हुए हैं। सुजावा छावरी में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेर रखा, एनकाउंटर जारी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान की है। जम्मू कश्मीर के भिंडी इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है जबकि 4 जवानों के घायल होने की खबर है। दरअसल सुरक्षा बलों की टीम को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी भिटिंडी सुनजवा के जलालाबाद इलाके के किसी घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद देर रात से ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को घेर लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ओर से कार्रवाई जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों की टीम ने आतंकियों के बारे में मिली एक विशेष सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही ग्रेनेड फेंकने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में एक शादी समारोह के दौरान मकान का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। छज्जे पर महिलाएं खड़ी होकर मंगल गीत गा रही थी, तभी अमंगल हो गया। अरे मां,
ये तस्वीरें उस हादसे की हैं जिसने एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। लखनऊ के बिजनौर में शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब घर का छज्जा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 5 साल की बच्ची समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बारात घर पर पहुंची थी और महिलाएं घर के छज्जे पर खड़े होकर मंगल गीत गा रही थी। बच्चों समेत कई महिलाएं बारात देखने के लिए छज्जे पर खड़ी थीं, लेकिन भार ज्यादा होने की वजह से छज्जा गिर गया और देखते देखते खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें लखनऊ के ही ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में इसी घटना की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। 56 दिन के भीषण जंग के बाद रूस इसे शहर पर कब्जा करने में आखिरकार कामयाब हो ही गया। रिपोर्ट देखिए। सत्तावन दिन की ताबड़तोड़ जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मारियोपोल पर रूसी कब्जे की घोषणा की तो अपने सैनिकों को शहर में मौजूद अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर हमला न करने की हिदायत भी दी। दरअसल पूरे शहर में खदेड़े गए यूक्रेनी सैनिक इसी प्लांट में पनाह लिए हुए हैं, इसीलिए पुतिन ने भी साफ आदेश दिया है कि अज़ोवस्टाल औद्योगिक एरिया में मौजूद सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। पुतिन के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें कादिरोव का कमांडर अपने सैनिकों के साथ जलते मारियोपोल में खड़ा है और अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वीडियो जारी करते हुए कमांडर ने कहा कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी मीडिया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर मचा सियासी गदर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज ठाकरे ने नया ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर उद्धव सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, तो मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। लाउड अजान पर लाल राज ठाकरे। मस्जिद से 3 मई तक लाउड स्पीकर उतारने का राज ठाकरे के अल्टीमेटम से ही उद्धव सरकार के हाथ पैर फूल गए। राज ठाकरे ने 3 मई को ही महाआरती करने का ऐलान किया है और 3 मई को ही ईद भी है। राज ठाकरे के महाआरती के ऐलान के बाद से ही मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। मुंबई समेत पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। मुंबई में नजर रखने के लिए पुलिस ने 94 थाना क्षेत्र में 1504 पॉइंट बनाए हैं। एसडीआरएफ की 57 टीमों को तैनात किया गया है। आरसीपी के 6 प्लाटून को अलर्ट पर रखा गया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का राज ठाकरे का 3 मई का अल्टीमेटम खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है और 3 मई को किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुंबई पुलिस पहले से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर छिड़ा हुआ विवाद थमता नजर आ रहा है। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने 23 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़ा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पड़ गई है। सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए 23 अप्रैल को 500 कार्यकर्ताओं के साथ मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मातोश्री पर शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से हमें धमकियां दी जाने लगी, इसलिए अब देखना है कि आखिर भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नवनीत राणा के इस ऐलान से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 23 अप्रैल को मातोश्री पर शिव सैनिकों की भारी भीड़ जुटने के आसार हैं, जिससे तनाव का माहौल भी बन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम पहले से ही दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सुंजवान में आज दो आतंकी हमले हुए। दरअसल सुंजवान के भितंडी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक जवान के शहादत की खबर है। 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इन्हीं जवानों की मदद के लिए सीआईएसएफ की एक बस जा रही थी, जिस पर घात लगाकर अटैक किया गया। आपको बता दें इसमें भी एक एसआई के शहीद होने की खबर है, जबकि दो जवानों के घायल होने की खबर मिल पा रही है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में फिलहाल दोनों आतंकी ढेर हो गए हैं। बस पर हमला करने वाले दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ की बस पर घात लगाकर हमला किया गया था। सुंजवान में जवानों की मदद के लिए सीआईएसएफ की यह बस जा रही थी, जिसमें करीब 15 जवान सवार थे। सुंजवान में पहले से ही एक मुठभेड़ चल रही थी, यानी कुल दो आतंकी हमले आज घाटी में किए गए हैं। सुंजवान में पहले से ही एक मुठभेड़ में, आपको बता दें, एक जवान के शहीद होने की खबर थी, यानी आज दो जवानों की शहादत हुई है। हालांकि बस पर जिन दो आतंकियों ने हमला किया उन्हें ढेर कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में चौथा आतंकी मारा गया है। यह बड़ा अपडेट, पिछले दो दिनों से यहां पर मुठभेड़ चल रही थी, चार आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, तीन को पहले ही ढेर कर दिया जा चुका था और चौथा आतंकी भी आज ढेर कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज चौथा आतंकी मारा गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन भी लगातार घाटी में चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फॉरन लॉन्च में आप बने रहिए हमारे साथ।